रामायण महाभारत और श्री कृष्णा की अपार सफलता के बाद निर्देशक निखिल सिन्हा और धर्मेश शाह के द्वारा वर्ष 2015 में एक और रामायण सिया के राम नाम से प्रसारित किया गया। इस धारावाहिक ने वर्तमान में करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना ली है। आज के वीडियो में हम सिया के राम टीवी धारावाहिक में किरदार निभाने वाले कलाकारों के रियल नाम, उम्र और कहां रहते हैं, ये सब जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को आधा अधूरा देखकर श्री राम भगवान को नाराज न करें। जय श्री राम मित्रों, हमारे YouTube चैनल बायोग्राफी विद RPD में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मदिराक्षी मुंडले ने सिया के राम धारावाहिक में माता सीता का किरदार निभाया था। उनसे ऐसा लगता है कि रघुकुल के राजनियम। मदिराक्षी मुंडले का जन्म 1 जुलाई 1995 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। वर्तमान में मदिराक्षी मुंडले का उम्र 28 वर्ष है। आशीष शर्मा ने राम का किरदार निभाया था। जो मैंने किया वो मेरा था। आज हम आपसे उनके जन्म की कथा सुनना। आशीष शर्मा का जन्म 30 अगस्त 1984 को जयपुर भारत में हुआ था। वर्तमान में आशीष शर्मा का उम्र 39 वर्ष है। करण सूचक ने लक्ष्मण का किरदार निभाया था। अश्व की बलि रोकी, ताड़का का वध किया और माता अहिल्या का उद्धार किया। करण सूचक का जन्म 2 अगस्त 1986 को अहमदाबाद भारत में हुआ था। वर्तमान में करण सूचक का उम्र 37 वर्ष है। दानिश अख्तर सैफी ने हनुमान का किरदार निभाया था। ये लो और इन्हें आपस में बांट लो, लाओ मुझे दो। कार्तिक जयराम ने रावण का किरदार निभाया था। तूने मेरे क्रोध को और भी प्रज्वलित कर दिया है। कार्तिक जयराम का जन्म 1 मई 1979 को कोप्पा भारत में हुआ था। वर्तमान में कार्तिक जयराम का उम्र 44 वर्ष है। युक्ति कपूर ने उर्मिला का किरदार निभाया था। जब तक आपके विजयी होने का समाचार ना मिला इन्हें, दीदी अत्यंत विचलित थी। युक्ति कपूर का जन्म 18 मई 1992 को जयपुर भारत में हुआ था। वर्तमान में युक्ति कपूर का उम्र 31 वर्ष है। विजय आनंद ने जनक का किरदार निभाया था। ये प्रथम अवसर है कि मिथिला में किसी रघुवंशी के स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विजय आनंद का जन्म मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ था। पृथ्वी हट्टे ने भरत की पत्नी मांडवी का किरदार निभाया था। रोहित बख्शी ने भगवान शिव का किरदार निभाया था। स्वर्ग पाने की कामना त्याग देगा। रोहित बख्शी का जन्म 4 अक्टूबर 1978 को भारत में हुआ था। वर्तमान में रोहित बख्शी का उम्र 45 वर्ष है। मनीष वाधवा ने विश्वामित्र का किरदार निभाया था। कितना अद्भुत है ना कि जिस प्रकार तुम मनीष वाधवा का जन्म 23 अप्रैल 1972 को अंबाला भारत में हुआ था। वर्तमान में मनीष वाधवा का उम्र 51 वर्ष है। राधा कृष्ण दत्त ने ब्रह्मा का किरदार निभाया था। कश्मीरा शाह ने ताड़का का किरदार निभाया था। कश्मीरा शाह का जन्म 2 दिसंबर 1972 को मुंबई भारत में हुआ था। वर्तमान में कश्मीरा शाह का उम्र 51 वर्ष है। प्रतिमा कन्नन ने रावण की माँ कैक्सी का किरदार निभाया था। प्रतिमा कन्नन का जन्म 21 जुलाई 1948 को भारत में हुआ था। वर्तमान में प्रतिमा कन्नन का उम्र 75 वर्ष है। अंकुर नायर ने मेघनाथ का किरदार निभाया था। अंकुर नायर का जन्म 27 मई 1977 को पठानकोट भारत में हुआ था। वर्तमान में अंकुर नायर का उम्र 46 वर्ष है। चैतन्य अदीब ने जटायु का किरदार निभाया था। चैतन्य अदीब का जन्म 10 नवंबर 1971 को भारत में हुआ था। वर्तमान में चैतन्य अदीब का उम्र 52 वर्ष है। शैलेश गुलाबानी ने विभीषण का किरदार निभाया था। शैलेश गुलाबानी का जन्म स्थान मुंबई भारत है। सुरेंद्र पाल ने रावण के पिता आरसी विश्रवा का किरदार निभाया था। सुरेंद्र पाल का जन्म वर्ष 1953 को लखनऊ भारत में हुआ था। वर्तमान में सुरेंद्र पाल का उम्र 70 वर्ष है। झलक देसाई ने राम की बहन शांता का किरदार निभाया था। झलक देसाई का जन्म 21 दिसंबर 1992 को मुंबई भारत में हुआ था।
वर्तमान में जालक देसाई का उम्र 31 वर्ष है। देवलीना चटर्जी ने सुग्रीव की पत्नी रूमा का किरदार निभाया था। रूमा की रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका थी क्योंकि उसी के कारण श्री राम ने बालिका वध किया था। देवलीना चटर्जी का जन्म 21 मई 1993 को कोलकाता भारत में हुआ था। वर्तमान में देवलीना चटर्जी का उम्र 30 वर्ष है। भार्गवी चिरमुले ने राजा जनक की पत्नी सुनैना का किरदार निभाया था। भार्गवी चिरमुले का जन्म 29 मार्च 1978 को मुंबई भारत में हुआ था। वर्तमान में भार्गवी चिरमुले का उम्र 45 वर्ष है। सुमित कौल ने रावण के सेनापति अकंपण का किरदार निभाया था। सुमित कौल का जन्म 10 मार्च 1978 को मुंबई भारत में हुआ था। वर्तमान में सुमित कौल का उम्र 45 वर्ष है। संगीता खानायत ने गंगा का किरदार निभाया था। जाहिदा परवीन ने त्रिष्टा का किरदार निभाया था। अभिलाष चौधरी ने केतु का किरदार निभाया था। अमृत वितरण के समय हुआ था। केतु का जन्म भगवान विष्णु ने यहीं पर मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया था। राज लोगानी ने इंद्रदेव का किरदार निभाया था। स्निग्धा अकोलकर ने कौशल्या का किरदार निभाया था। स्निग्धा अकोलकर का जन्म 3 मई 1985 को पुणे भारत में हुआ था। वर्तमान में स्निग्धा अकोलकर का उम्र 38 वर्ष है। प्रविष्ट मिश्र ने भरत का किरदार निभाया था। प्रविष्ट मिश्र का जन्म 5 सितंबर 1998 को प्रयागराज भारत में हुआ था। वर्तमान में प्रविष्ट मिश्र का उम्र 25 वर्ष है। विविध कीर्ति ने सुलोचना का किरदार निभाया था। विविध कीर्ति का जन्म 21 दिसंबर 1989 को भारत में हुआ था। वर्तमान में विविध कीर्ति का उम्र 34 वर्ष है। सुदेश बेरी ने परशुराम का किरदार निभाया था। जो ये प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही होगा सीता का योग्य वर। सुदेश बेरी का जन्म 20 जुलाई 1960 को मुंबई भारत में हुआ था। वर्तमान में सुदेश बेरी का उम्र 63 वर्ष है। शैलेश दातार ने नारद का किरदार निभाया था। सुजय रेऊर ने भरत का किरदार निभाया था। ग्रुषा कपूर ने कैकेयी का किरदार निभाया था। ग्रुषा कपूर का जन्म 6 मार्च 1978 को भारत में हुआ था। वर्तमान में ग्रुषा कपूर का उम्र 45 वर्ष है। संपदा वाजे ने सुमित्रा का किरदार निभाया था। संपदा वाजे का जन्म पुणे महाराष्ट्र भारत में हुआ था। दलीप ताहिल ने दशरथ का किरदार निभाया था। अद्भुत अद्भुत। दलीप ताहिल का जन्म 30 अक्टूबर 1952 को भारत में हुआ था। वर्तमान में दलीप ताहिल का उम्र 71 वर्ष है। प्याली मुंशी ने मंदोदरी का किरदार निभाया था। प्याली मुंशी का जन्म 30 अगस्त को संतोषपुर कोलकाता भारत में हुआ था। अंजलि राणा ने जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पत्नी चंद्रभागा का किरदार निभाया था। अंजलि राणा का जन्म भारत में हुआ था। वेदांत सावंत ने युवा राम का किरदार निभाया था। वेदांत सावंत का जन्म 14 मार्च 1997 को मुंबई भारत में हुआ था। वर्तमान में वेदांत सावंत का उम्र 26 वर्ष है। श्वेता रस्तोगी ने अहिल्या का किरदार निभाया था। श्वेता रस्तोगी का जन्म 16 नवंबर 1973 को मेरठ भारत में हुआ था। वर्तमान में श्वेता रस्तोगी का उम्र 50 वर्ष है। अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय सीता राम। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।